कार्यकारिणी की घोषणा। लालकुआ विधानसभा कांग्रेस एससी विभाग की नई कार्यकारिणी की घोषणा आज हो गई। बीते लंबे समय से कांग्रेस एससी विभाग की कार्यकारिणी प्रतिष्ठित चल रही थी, जिसको लेकर अनेकों कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की संसुस्ती के बाद लालकुआ विधानसभा क्षेत्र की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। बताते चलें कि कांग्रेस एससी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने सभी नव मनोनीत पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर तक जाकर पार्टी को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान की भाजपा सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। उन्होंने 2022 के लक्ष्य को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने का मन बना लिया है। राज्य सरकार महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, विकास सहित तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सरकार विफल साबित हुई है। उत्तराखंड की जनता ने मन बनाया है, तो ऐसे में 2022 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी हमारे मुरारजी, उन्होंने संगठन को और मजबूत बनाने के लिए और दिनभरता कांग्रेस को और ताकत देने के लिए ऐसी प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया है और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं, महिला ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं, महामंत्री बनाए हैं और सोशल मीडिया के लोग बनाए हैं। इसका उद्देश्य एक ही है कि बिंदुकत्ता में कांग्रेस मजबूत होगी और उसका संदेश पूरी विधानसभा में नहीं उत्तराखंड में जाएगा। इसलिए ये 80 प्रकोष्ठ जो है हमारा बहुत मजबूती से काम कर रहा है और अनुसूचित बाहुल क्षेत्र के लोग एक साथ मिलकर के कांग्रेस के साथ ये संदेश जाएगा। इस संदेश जो आज हमने जो नियुक्ति पत्र दिए गए हैं संगठन के विस्तार के लिए कर रहे हैं, हमने संगठन का विस्तार कर दिया है। पूरी जो विधानसभा हमारी जो लालकुआ है उसके अंतर्गत हमारी जो पूरी विधानसभा की हमने कार्यकारिणी गठित की है। जो 2022 हमारा मिशन है कांग्रेस को लाने का, और हमने जो अनुसूचित विभाग के जो कार्यकारिणी हमारी कहीं पर रुकी थी, कहीं पर कुछ लोग नहीं रह गए थे, आज पूरे कर दिए गए हैं और उनको जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से हम लोगों ने इस भेट सरकार में और जिस तरीके से हम ठगा गया है, जिस तरह से झूठे जुमले किए गए, जिस तरीके से हम